श्रीशिल भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताएं, हमारा हरि कथा हरि कीर्तन करने का समय नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए, इसी का नाम है माया। हमारा हरि कथा हरि कीर्तन सुनने का कोई समय नहीं है, इसका ही नाम है माया। इससे बढ़कर माया कभी हो ही नहीं सकता। जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं, पहले भी बताया, जिंदगी जा रहा है, लेकिन किसी का अंदर में चेतना का विकास नहीं होता, चेतना का विकास नहीं हो पाता। चेतना का विकास कैसे हुए? चेतना का विकास तो चेतनमय जगत का साथ संबंध होने से ही होता है। चेतनमय जगत का गुरु वैष्णव भगवान धाम नाम इसके साथ, और अगर चेतनमय जगत में आने का बहाना किया फिर भी अपराध हो गया, उससे क्या हो? चेतना का डिग्रेडेशन होगा। जितना चेतना उठा था अपराध करके और नीचे चले जाए, पहले थोड़ा विवेक विवेचना जो है बुद्धि जो है थोड़ा शुद्धि था, अपराध करने के बाद वो चेतना सुप्त हो लुप्त हो जाता है। और महाराज चेतना लुप्त होते होते ऐसा अवस्था में चला जाता है, उसको बहुत अचेतन जोनी जो है, जो 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 चेतना आच्छादित तो चेतन है वृक्ष आदि ये सब जोनी मिलता है, वृक्ष आदि ये सब धीरे धीरे वो नीचा, धीरे धीरे चेतना लुप्त होते होते इतना नीचे चला जाता है, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधा ऐसा होके जन्म लेता है। जो श्लोक बताया था श्रील रूप गोस्वामी पाद जी नाम का महिमा विस्तार के लिए जो श्लोक रचना की, तमाम दुनिया का जो शास्त्र है, तमाम दुनिया का शास्त्रों का विचार करके जो निचोड़ है जिस्ट नाम का महिमा जो है, ये नाम का महिमा प्रकाश किए। और इस नाम का महिमा में जो 8 श्लोक लिखे सिखा जो नामाष्टकम, इसी का अंदर में श्लोक आता है। और शायद आपने ये भी सुनेगा, निखिले श्रोति मौली रत्नमाला दुती निराज तो पाद पंकजंत इत्यादि सुना है। हम किसका साथ चर्चा करें, किसका साथ हम चर्चा करें? कोई तो है ही नहीं। भले हरिनाम प्रभु जो है, हरिनाम प्रभु का हरिनाम प्रभु कौन? हरिनाम प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरिनाम प्रभु का, ये हरिनाम प्रभु का आरती हो रहा है। अभी हरिनाम प्रभु का आरती हो रहा है। हरिनाम प्रभु का आरती कैसे हो रहा है? बोले निखिल श्रुति मौली रत्न माला दुती निराज तो पाद पंकजंत। निखिल श्रुति स्थिति जितना सारे हैं, श्रुति स्थिति जो है, ये लोग जो हरिनाम प्रभु का सामने जब सर झुका के दंडवत करते हैं तो श्रुति स्थिति ये जो है, इन लोगों का जो मस्तक भूषण शिरोभूषण, इसको बोलते हैं शिरोभूषण व मस्तक भूषण मुकुट, और मुकुट का अंदर में बहुत सारे बहुत कीमती अनमोल इतना सुंदर सब हीरा मोती, अपराकित जगत का, अपराकित जगत का जो मणि है, मणि जानते हो, दिव्य मणि है,
दिव्य मणियां ये सब लगा हुआ है। आज श्रुति श्रुति ये सब हरिनाम प्रभु का सामने दंडवत करते हैं तो इनका जो मुकुट है सिरोभूषण सिरो, इससे जो इसमें जो अपराकित मणिमुक्ता अपराकित मणि लगे हुए हैं उससे विकिरण निकालते हैं। विकिरण जानते हो लाइट, उससे विकिरण निकालते हैं। इतना सुंदर लगता है मैंने पूछो मत, पागल हो जाओगे। और ऐसा लगता है कि वो दिव्य मणियाँ जो हैं मणिमुक्त, ये दिव्य मणिमुक्त के द्वारा जो विच्छुरण होता है लाइट का जो विच्छुरण होता है रोशनी, जैसा लगता है कि नाम प्रभु का आरती हो रहा है। अभी निखिलो श्रुति मौली रत्नमाला दुति निराजितो, निराजन निराजन शब्द का अर्थ आरती, निराजित पाद पंकज जानते नाम प्रभु का जो चरण है चरण का आरती हो रहा है। नाम प्रभु का चरण है, नाम प्रभु का चरण कैसे हो सकता, तो नाम प्रभु है, नाम है तो नाम प्रभु है। हाँ नाम प्रभु का ही चरण है। तुम जैसा अंधा आदमी का लिए तो नाम प्रभु का कोई चरण है नहीं, जगन्नाथ का है हाथ पैर है नहीं, लेकिन नाम प्रभु का साक्षात चरण है क्योंकि नाम प्रभु जो है वही नाम ही है। जो लोग नाम भजन करते रहते हैं, नाम भजन में जो लोग डूब जाते हैं, ये नाम भजन का अंदर ठाकुर जी का पूरा स्वरूप दिखाई पड़ता है। राधे जी पिया जी के साथ बोले राधा गोविंद जी का पूरा दर्शन होता, पूरा दर्शन हो जाता है। नाम प्रभु का अंदर ही, नाम प्रभु का अंदर ही नामी प्रभु है। निखिल स्तुति मौल रत्नमाला द्वितीय निराजित पाद पंकजंतु, नाम प्रभु का जो चरण कमल का वंदना है आरती है, ये एकमात्र परमहंस कुल जो नामानंदी नामानंदी नाम के द्वारा नाम के जो महिमा है इसके द्वारा जिसका हृदय एकदम समुज्जल हो गया, बिल्कुल नाम का पूरा कृपा मिला वही जानता है। और ये नाम प्रभु का जब कृपा हो जाए तब ये सब नाम का जो महिमा है हरि नाम का महिमा है सब समझ में आएगा। निखिल श्रुति मौली रत्न रत्नमाला द्वितीय निराजित पाद पंकज ऐ मुक्त गोली रूपस्मानु हरिनाम संस्मराय। और जो श्लोक हम अभी बताया था जद ब्रह्म साक्षात कृष्णनिष्ठयापि बिना समयाति बिना न भोगोहि अपैथ नाम स्मरणेन तत् परब्ध कर्मेति विरोति वेदा। इसमें बताया गया अगर किसी ने भजन करते करते ब्रह्म में निष्ठा हो, ब्रह्म वस्तु ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म जद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठया, भजन करते करते ब्रह्म स्वरूप का भजन करें निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति भी दिखाई पड़ता है। इसी अवस्था जो है ये तो बड़ा ऊंचा अवस्था है, ठीक बात ये तो बड़ा ऊंचा अवस्था है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया पूरा शास्त्रों का प्रमाण यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि, ब्रह्म में पूरा निष्ठा हो गया, लेकिन इसका बाद भी इसको आना पड़ेगा इस जगत में। बिना समयात बिना न भोग हुई, तुम्हारा पूर्व कर्म का ऐसा फल है जो तुमको फिर लाएगा, तुमको फिर इस जगत में लाए लाके वो कर्म फल को भोगने के लिए तुमको एक शरीर दिया जाएगा।
जत ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि कृतनिष्ठयापि, जिसका ब्रह्म में निष्ठा हो गया लेकिन फिर भी बिना समयाते न बिना न भोगोई, भोग के द्वारा खंडन करो, ये प्रहलाद महाराज से नृसिंहदेव का चर्चा आएगा इधर। भोगे न पुण्यम कुशल न पापम, भोग के द्वारा तुम्हारा पुण्य कर्म को क्षय करो, वो कोई काम का नहीं है। भोगे न पुण्यम अकुशल न पापम, कुशल कर्म करो उसके द्वारा पाप का पाप को नाश करो। भोगे न पुण्यम, भोग के द्वारा पुण्य कर्मों का शेष करो, पुण्य कर्म रखो मत, उसका जो डिपॉजिट है तुम्हारा जिंदगी में उसको खत्म कर दो। भोगे न पुण्यम भुक्ति, भोगे न पुण्यम कुशल न पापम, कुशल मतलब सत्कर्म करो उसके द्वारा पाप कर्मों का भी नाश करो। और ये करके तब क्या करना है बोले, जब तक तुम्हारा जवान पे जीवा पे हरिनाम उदय ना हो तब तक कोई शांति नहीं। जब तक हृदय में नाम उदित नहीं हुआ तब तक कोई शांति नहीं, तब तक कोई शांति नहीं होगा, कोई समाधान नहीं, नो सल्यूशन। अजब अपैत नाम स्मरण न तत्व, जब तत्व ज्ञान सहित अनुभव के सहित हरिनाम हमारा जवान पे उदित हो जाए तब तब क्या हो मन मलापैथ नाम स्मरण तत्व प्रारब्ध कर्मेत विरोध वेद। तमाम वेद जो है श्रुति स्थिति यही सिद्धांतों को रोती बीरोती विशेष रूपेण रोती चिल्ला चिल्ला के ये सिद्धांतों को बताते हैं। जब तक नाम उदित ना हो जाए तब तक कोई शांति नहीं। जितना सारे द्वैत दानव है ठाकुर जी के साथ लड़ाई किया, लड़ाई के बाद आप उसका ब्रह्म में जाके वो जो उसको जो मुक्ति हो जाता ब्रह्म में जाके मिल जाते ब्रह्म ज्योति में, फायदा कुछ नहीं, इसमें फायदा कुछ नहीं होगा। ब्रह्म ज्योति में मिल जाए और फिर बाद में फिर इधर आए जगत में ऐसे ही चलते रहे, ब्रह्म ज्योति में जाए सुविधा कुछ नहीं होगा। ब्रह्म ज्योति में जो जो आत्मा है जीवात्मा वो अगर ब्रह्म ज्योति में जाके समा जाए तो उसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट कुछ तो होगा, क्या बेनिफिट है बोलो। इसको हम विचार करके बताते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ सुइसाइडल केस, सुइसाइड करना जैसे ऐसा ही है। ब्रह्म में जाके क्यों खुदकशी क्यों करते हैं, भले जितना दुख है जितना कष्ट है इसको सहन नहीं होता उसको, भले हम सारे शरीर को छोड़ देंगे भले उसके बाद मिट जाए, लेकिन ऐसे तो जो दुख और कष्ट है अगर आत्महत्या करने से मिट जाए तब तो हर लोग आत्महत्या कर लेगा। श्रीमन महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई को इस बात का शिक्षा दिया था। जब सनातन गोसाई सोचे कि हमारा शरीर में खुजली खुजली हो गया और महाप्रभु आके मेरे को आलिंगन करता है, मेरा जो ये जो खून है सब लगता है ठाकुर जी का शरीर में, इससे अच्छा क्या एक काम करे, रथ यात्रा उत्सव आ रहा है, रथ यात्रा में रथ यात्रा जो जगन्नाथ जी चलते रहें तो उसमें जाके छलांग लगा के रथ चक्का के नीचे शरीर को दे दें, बस हो जाएगा खत्म, तो कोई शरीर तो कोई काम का है नहीं। महाप्रभु जान लिया अंतर्यामी ठाकुर जी है, परमात्मा रूप के ठाकुर जी तो है। सनातन जब आए सनातन बोले, क्या सनातन क्या समझ के रखा है तुम, दूसरे का संपत्ति तुम खर्चा कर सकता है क्या हरिदास, देखो विचार करो, ये हमारा अगर कोई संपत्ति है, संपत्ति को किसी का पास रखा है, उन्होंने अगर इस संपत्ति को खर्चा कर दिया कैसा होता है, और ना तो प्रभु ऐसा नहीं होता। तो सनातन का ऐसा विवेक कहां से आया, सनातन का बुद्धि ऐसे कैसे हुआ,
सनातन का जो शरीर है वो तो पूरा क्रेजी क्रेजी। इतना दिन से जो आप सुधर नहीं पाए कि दो मिनट में हम कैसे सुधारें, मंदिर क्या करें, कुछ नहीं हो पाएगा। सनातन गोसाई को बताए, सनातन ये तुम्हारा जो शरीर है ये तुम्हारा है कि हमारा है, ये शरीर तुम्हारा है कि हमारा है, तो तुम तो दीक्षा काले शिष्य करें आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण के साथ साथ हमारे ये शरीर गुरुजी का संपत्ति बन जाता है, किसी का पता नहीं। हमारे ये शरीर हमारा नहीं रहता, हमारा संपत्ति हमारा जो कुछ भी है तमाम गुरुजी का संपत्ति बन जाता है, हमारा नहीं है। और हमारा शरीर को कुछ भी हम खतखसी करें हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा संपत्ति है ही नहीं, तो हम कैसे करें। इसलिए सनातन जी को महाप्रभु जी ने बताया कि देखो ये तुम्हारा शरीर के द्वारा मेरा बहुत सारे सेवा है, हमको सेवा लेना है और तुम मरना चाहते हो। अगर आत्महत्या करने से सारे समस्या का समाधान हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाए तो हजारों करोड़ों आदमी आत्महत्या कर दे। आत्महत्या के द्वारा अगर ठाकुर जी मिल जाए तो चलो हम भी आत्महत्या कर दे। हमारा वृंदावन में एक सुंदर कहना है, ये गर्दन देके भी अगर ठाकुर जी मिलता है तो भी सस्ता, गर्दन दे दिया उसके बाद अगर ठाकुर जी मिलता है तो बड़ा सस्ता मिला है, इतना सस्ता। आदमी का विवेक इतना नीचा हो गया, इतना कम हो गया कि मिनिमम कोई भाव ही नहीं, तो यहां तक पहुंचे कैसे, आश्चर्य की बात है। कोई अगर आत्महत्या करे, जैसे अखबार में आया था, न्यूज़पेपर में आया था ना, एक व्यक्ति इधर बम लगाया, बम लगा के एक नेता के ऊपर गिर पड़ा और बस बम भी बस्ट हुआ, वो भी गया नेता भी गया। इसको बोलता है सुइसाइडल स्क्वाड। उसका फैमिली को करोड़ों करोड़ों रुपया दिए, वो तुम्हारा फैमिली को इतना करोड़ रुपया दे देंगे, तुमको क्या करना है तुम जाके वो बम लगा के शरीर में उसका जाम दो, बस शरीर को छोड़ दो, कर दिया। और तुम्हारा जो वो जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाना उसमें क्या फायदा है बोलो, ब्रह्म ज्योति जा में मिल जाओगे ना उसमें क्या फायदा होगा। अपना जो सत्या, अपना सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, चाहे आत्महत्या करो कुछ भी करो, ये सत्ता नित्य है। ये आत्मा जो है, जो सत्ता है, सत्ता को विलीन कर देना, ये तो क्या है, इससे फायदा क्या है। जैसे हमने बताया था, देखो कोई मिठाई हमारा सामने है रसगुल्ला, और रसगुल्ला सामने है और तुम भी सामने हो, लेकिन रसगुल्ला का साथ जब तुम्हारा जवान का संबंध ना हो जाए तो रसगुल्ला ही रहने दे, तो हमारा क्या फायदा। रसगुल्ला तुम्हारा जवान का स्पर्श हो, उसके बाद आस्वादन तुम करते रहोगे, तब रसगुल्ला का जो कीमत है, उसका जो वैल्यू है वो समझ में आए। ऐसे ठाकुर जी है, मेरा कहने का मतलब है आस्वादो आस्वादन, आस्वादो वस्तु, आस्वादन करने वाले और आस्वादन, तीनों अगर मर मिट जाए तो क्या फायदा है। ठाकुर जी बोल के जो अनन्य संपत्ति है भगवान, इनके जो रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट सब कुछ ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट रखे हैं ना, भजन करते करते सारे दर्शन हो जावे। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ठाकुर जी का ब्रह्म ज्योति के साथ मिल जाए तो उसमें प्रभुपाद जी बोले वो त्रिपुटी नाश, त्रिपुटी नाश जानते हो, त्रिपुटी नाश मतलब भगवान आराध्य भगवान जो है और आराधक आराधना तीनों का समाप्ति कर दो, किसी रहने का दर को। यह है मायावादी का विचार, ना तो आराधना बोल के कोई वस्तु रहे
ना तो आराध्य जो है हमारा आराध्य वस्तु रहे और हम आराधक जो है वो भी नहीं रहे, सब मिट जाए, मर मिट जाए, क्या दरकार, झमेला मिट गया, तुम भी ब्रह्मो मैं भी ब्रह्मो और क्या चिंता, क्या सारे ब्रह्मो, अब ब्रह्मो का क्या पूजन करें। मायावादी का जो ब्रह्मो का आराधना है ये तो चीटिंगबाजी केस है, चीटिंगबाजी, क्यों, वो तो ब्रह्मो का आराधना कर रहा है, ब्रह्मो को प्यार करके आराधना नहीं कर रहा है, अहम ब्रह्मोस्मि मैं ब्रह्मो, मैं ब्रह्म हूं और किसको आराधना करूं, किस सिर्फ थोड़ी समय के लिए ब्रह्म भाव को सिद्धि करने के लिए भजन, ये तो चीटिंगबाजी है। ये सब विचार हरिद्वार में इधर जहां महावादी लोग रहते हैं इधर वाराणसी में तो होना चाहिए, कौन सी विद्वान है सब तर्क उठाए, कोई ऐसा है नहीं, सब लगे हुए हैं दूसरे काम में। कल चर्चा हुआ था नाम का महिमा के बारे में हम चर्चा किए, इसमें बड़ा बड़ी सुंदर विचार आया था देखे, और इधर जो है ये थोड़ा वंशावली का थोड़ा भी वर्णन इधर हो जाए अच्छा है। तो इधर आप देखे के नाम का महिमा के बारे में देखे हो, पहले हम बताया था जो प्राचीन बरही का, प्राचीन बरही का लड़का जो दोष प्रचेतागण भजन करने के लिए ये सब बताए थे, समुन्दर में कूद कर भजन की सिद्धि हुआ, शंकर भगवान दर्शन दिए पहले ही, और रुद्रग्रीता का उपदेश की, ये सब बात हम बताएं। अब वृक्षों गण वृक्षों जितना सारे वृक्ष पेड़ पौधा है इसका अधिपति है चंद्रमा, जब समुन्दर से सिद्धि प्राप्त कर कर उठे देखे सारे पृथ्वी वृक्षों लता से छा गया, अब कहाँ से जाए, जाने का भी जगह नहीं, ऐसा गुस्सा हो गया तो उसका जो भजन का तेज है आग निकलना शुरू कर दे मुख से, हा हा कर उसे सारे पेड़ पौधा जलना शुरू कर दिया। चंद्रमा आ गया, महाराज क्या कर रहे हो आप लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, तो काम का है सब वृक्षों लता सो आपका काम में आएगा, तो आप तो सृष्टि करोगे ना, सृष्टि विस्तार करोगे तो कई काम में आएगा, तो मारो मत, ऐसा करो हम ये वृक्षलता ने जो कन्या का पालन की मारीशा वृक्षगण का पालितो प्रमलोचा अपसरीर कन्या, प्रमलोचा नाम नो अपसरी है उसका एक कन्या किसी ऋषि का साथ ये हुआ था, इसको छोड़ के गए आरो, ये इसका नाम मारिश, इसको कन्या को विवाह करो और करके संसार करो, यही मारिशा का गर्भ में दक्ष प्रजापति, फिर वो जो दक्ष प्रजापति फिर आए आके प्रचेतस दक्ष नाम पे रह गया, वो प्रचेतस दक्ष जो है दक्ष दक्ष को आदेश किया गया, दक्ष को बोले एक काम करो तुम जो प्रजापति विस्तार करो संसार करो, तो बोले महाराज पहले हम तपस्या करें उसका बाद हम, अब तपस्या करने के लिए चले गए, जिसका नाम दक्ष प्रजापति प्रचेतस दक्ष जो हुआ, पहले जो दक्ष था जो दक्ष यज्ञ हुआ था वही दक्ष अपराध थोड़ा बहुत रह गया था, फिर आना पड़ा चुकाने के लिए हिसाब, फिर जन्म लिया। अभी इतना बड़ा दुष्चर तपस्या किए, भयंकर तपस्या की, तपस्या करने के बाद ठाकुर जी हंस रूप पाकर करके आए, हंस गुज्जो बोल वही स्तुति नाम हंस, हंस रूप पकड़ के नहीं, हंस रूप पकड़ के तो ब्रह्मा और तुम्हारा चतुस्सन जो प्रश्न किया था, चतुस्सन ने जो प्रश्न किया था उस समय हंस अवतार का, ये जो स्तुति है इसका नाम हंस गुज्जो, इसके द्वारा स्तप किए और स्तप करने के बाद ठाकुर जी प्रसन्न हुए, ठाकुर जी प्रसन्न हुए, ये प्रसंग आएगा जब हंसरूप पकड़ कर
चतुसन ने ब्रह्मा जी को बताए एक क्वेश्चन की। चतुसन जो है ब्रह्मा जी को एक सुंदर क्वेश्चन किए महाराज एक पिताजी को, जे विषय में चित्त, विषय का अंदर चित्त और चित्त के अंदर विषय कैसे अनुप्रविष्ट हो जाता, विषय का अंदर चित्त और चित्त का अंदर विषय कैसे प्रविष्ट हो जाता, ये बड़ा आश्चर्य का प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी उस समय बड़ा कुछ चिंता में लगे थे, बहुत दूसरा चिंता कर रहा तो समझ नहीं पाए विषय में चित्त चित्त में वैसे कैसे मिट एकदम एकाकार हो जाता है, इसका उत्तर कैसे दे। उस समय ब्रह्मा जी कुछ दूसरा चिंता में थे, वो चिंता कर रहे थे समझ नहीं पाए। तुरंत वो इज्जत बचाने के लिए ठाकुर जी का शरण लिया, इज्जत बचाने के लिए इसका उत्तर कैसे दे, इज्जत बचाने के ठाकुर जी का शरण लिया। और सरोवर का वो सरोवर का एक बड़ा सरोवर का निकट एक घटना हुआ और सरोवर में हंस रूपी भगवान आए, हंस रूप पकड़ करके आए ठाकुर जी स्वयं। आके थोड़ा बातचीत करने लगे तो चतुसन पहले बताएं हंस रूपी भगवान को, आप कौन हैं, आप कौन होते हो, बात करना चाहते हो कि क्या, कौन हो आप, आपका परिचय क्या है। जब ये प्रश्न किया तो ये जो हंसरूपी भगवान है ये उत्तर देना शुरू किया, बल आपने जो एक क्वेश्चन किया, आपने जो क्वेश्चन किया आप कौन हो, ये प्रश्न कहां से आया, तमाम दुनिया में तो एक ही तत्व है अद्वैत ज्ञान तत्व, तो आपने जो प्रश्न किया आप कौन है कहां से आया, ये प्रश्न कैसा प्रश्न हुआ। चतुसन को बोला आप ब्रह्म भजन करते हो एकाक्षर का, तो फिर ये प्रश्न क्यों किया, तमाम दुनिया में तो अद्वैत ज्ञान तत्व जो एक ही है वो छोड़ के तो दूसरा है ही नहीं, सारे जीव अपने को माया में डाल दिया इसलिए ऐसा विचार बुद्धि है, हम है ये है वो है ऐसा विचार आए, ऐसा करके हंसरूपी भगवान का प्रसंग आएगा। और यहाँ जो हंस गुज्जो स्तोत्र इसके द्वारा ये दक्ष प्रजापति प्रसन्न किए, ठाकुर जी का नाम दिया हंस, ये हंस हंस गुज्जो स्तोत्र नाम है। उसके बाद इन्होंने पांचोजनी नामक कोई कन्या को विवाह की, परमेश्वर बोले देखो ये पांचोजनी नाम का जो कन्या है पंचो प्रजापति पंच हाँ पांचोजनी नाम का जो कन्या है इसको शादी कर लो कि ये बड़ा संतान आदि बहुत पैदा होगा आपका, बड़ा क्षमता है। इसके बाद पंचोजनी की शादी की, दक्ष प्रजापति ने हरियास्व नाम का 10,000 पुत्र का जन्म दिया, क्षमता ही ऐसा 10,000 पुत्र, और 10,000 पुत्रों को बोले अब सृष्टि बढ़ाओ, बोले महाराज हम सृष्टि बढ़ाए बाद में, हम पहले हम जाएंगे कहाँ भजन करने के लिए। 10,000 जो है उसका नाम हरियास्व, 10,000 जो पुत्र है उसका नाम है हरियास्व। बोले पहले भजन करने के लिए गए और जब भजन करने के लिए गए तो रास्ते में नारद जी मिला, और नारद जी का काम ही है सबको को बैरागी बना दे। नारद जी के साथ देखा हुआ, नारद जी बोले क्या करना चाहते हो, बोले संसार, बोले पागल है संसार करके क्या करोगे, बोले ऐसा उपदेश किया तो बैरागी बन गया और आया ही नहीं, वापस आया ही नहीं, इतना बहिरा को पैदा कर दिया नारद जी तत्व ज्ञान उपदेश करके वो चला गया। बड़ा कूड वाक्य है, बड़ा सुंदर सुंदर इसमें कूड वाक्य है, बात कभी समय मिले तो चर्चा करें। और उसके बाद क्या हुआ, वो बड़ा दुखी हो गया, 10,000 लड़का का एक भी वापस आया नहीं, बाद में खबर चला कि नारद जी सबको बैरागी बना दिया, बस हो गया छुट्टी, अब कैसे सृष्टि को बढ़ाए। इसके बाद फिर दोबारा क्या की,
पंचजनी का गर्भ ने सवला, वो तो हरियासो था, ये सवला सो बोलकर 10,000 पुत्रों का फिर जन्म दिया। ये पुत्र जो है जन्म दिया, बोल पिता बोला ये काम करो ये तुम्हारा सृष्टि को बढ़ाओ। बोला महाराज हम ये संसार करने का पहले भजन करें, भजन कर तो ठीक है भजन करके आओ, लेकिन भजन करने गया तो अपना बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई जो 10,000 बड़ा भाई जो जिस रास्ते में गया तो उसे रास्ते में चला गया। नारायण नारायण सरोवर है सिद्ध, जहाँ देव देवता अभी भी देव देवता लोग सिद्ध महात्मा सब जो है गुप्त रूप में और नारायण सरोवर में आके अभी भी स्नान करते कभी भी। जैसे मायापुर है हमारा नवद्वीप, मायापुर में शंकर भगवान ब्रह्मा आदि जितना सारे देवता हर वक्त चलते रहते, जब भी किसी का उच्चा धाम में आ जाए हर वक्त। इसलिए धाम में रह के अपराध नहीं करना, ये धाम जो हर वक्त देवता लोग इंद्रो बोरुण आदि हाँ जब भी इच्छा होगा हर वक्त धाम में, धाम को भी खाली नहीं है, 100-100 देवता लोग आते रहते धाम पे ठाकुर जी का दर्शन के लिए परिक्रमा के लिए। और तुम उल्टा सीधा कर दो किसी को, तुम्हारा सामने आदमी का रूप पकड़ कर आए महाराज कुछ खाने को देगो तो भगा दिया, वो कोई देवता आया था तुमसे मांगने के लिए, तुमने खाली खाली दी थी भगा दिया। बूढ़ा बन के आया कि बूढ़ी बन के आया, हाँ आया। मेरा गुरु जी का कहानी बहुत सारे कहानी है, एक कहानी बता दे, कालना में जो गंगा का किनारे जो अनंत वासुदेव का मंदिर वर्धमान का राजा गुरु जी को दिया था। और वहाँ क्या हुआ, गुरु जी एक दिन विग्रोह को अर्चन करते करते, विग्रोह का अर्चन करते करते डूब जाते थे, वो अर्चन नहीं वो तो आंतरिक सेवा, अर्चन तो नाम का ना अर्चन नहीं हो, अर्चन क्या करे। हठात हृदय में आया कि ये ठाकुर जी का नाम, ये जो अनंत वासुदेव इसका कोई दूसरा नाम है, ऐसा लगता है नाम मेरा याद में नहीं आ रहा है। गुरु जी बोले ये विग्रोह ठाकुर जी के सामने बैठ के ये ठाकुर जी का दूसरा एक नाम है हमारा याद में नहीं आ रहा है। ऐसा बोलते बोलते जब मंदिर का अंदर ठाकुर जी को ठाकुर जी को पूजा करने का व्यवस्था, हठात एक बूढ़ी आई, बूढ़ी बहुत ऐसा कहते आ गए, हा गोलोकनाथ हा गोलोकनाथ दंडवत करके दंडवत। गुरु जी बोले यही तो नाम हमारा याद में आ नहीं रहा था, यही तो है, कौन बोल रहा है। बोल के बाहर आया एक बूढ़ी, बस बूढ़ी को देखा, रुको थोड़ा प्रसाद दे, बोल के प्रसाद देने का बूढ़ी गाय, बूढ़ी का हिम्मत ही नहीं है कि इतना दूर दूर जल्दी जाए। ठाकुर जी सहमत, कई बार ऐसा घटना है महापुरुषों का सामने आते रहते हैं। ठाकुर जी कब तुम्हारा सामने किस वेश लेकर आए परीक्षा लेने के लिए, गुरु जी के सामने कितना बड़ा परीक्षा हुआ, अकेले रहते थे निष्किंचन भिक्षा करके खाते थे, कितना उम्र बूढ़ा हो गए तब तक, शिष्य तो बाद में बना है अंतिम में, वो किसी को शिष्य नहीं बना, भिक्षा करके खाते थे माधुकरी भिक्षा करके, फिर लाके वो खुद रसोई करे खुद पूजन करे फोर पोछा लगाए फोर फूल उतारे गंगा को स्नाए गंगा पानी लाए रसोई करे लिखे पाठ करे कीर्तन सारे एक वन सिंगल आदमी, कोई नहीं, कोई है ही नहीं अकेला। और जो भोग फोक लगा के ठाकुर जी का भोग लगाना हो गया मंदिर बंद करके थोड़ा प्रसाद पाके फिर लिखने बैठेगा, और प्रसाद पाने के टाइम में एक आ गया महात्मा, महात्मा आ गया तो बोले महाराज आप बैठो प्रसाद पाओ, अन्य अन्य आपका प्रसाद, बोले हम तो थोड़ा पाया था 10 बजे हमारा भूख नहीं है और प्रसाद हम ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि वो नहीं बोलने से तो खाएगा नहीं, महाराज हम तो प्रसाद रख देने वाला था हम तो 10 बजे खाया था थोड़ा ऐसे भूखा है कुछ खाया नहीं, तो उसको जमा दिया। ऐसा कई बार हुआ कुछ खाने का नहीं हुआ सारा दिन, जब भी खाने बैठे कोई आ गया महाराज कुछ दे दिया। देखते हैं ठाकुर जी कि अपना जो है जो व्यवस्था है वो ठाकुर जी को भजन कर ठाकुर जी को क्या समझा, तू नरोत्तम ठाकुर जी को परीक्षा लिया था, एक घटना है वो सब हम बताएंगे नहीं अभी। वृंदावन से आए हैं 3 महात्मा
बोले अभी भोजन दो, बहुत भूख लग गया, भूख लगे तब दो, नहीं अभी चाहिए हमको। तो ठाकुर जी को बिना भोग दिए वो खलक खिला दिया, फिर उसके बाद दोबारा रोसी करके फिर ठाकुर जी को भोग लगा। क्योंकि गुरु वैष्णव जो है वो अगर प्रसाद पाए तो उसमें ठाकुर जी संतुष्ट होते हैं, सब विचार है। अभी ये जो 10,000 जो पुत्र है वो नारायण सरोवर को ओर चल गए, चले क्योंकि बड़े भाई लोग सब गए, वहाँ चला गया जाके भजन करना। सो वहाँ भी नारद जी का साथ, फिर दोबारा ये सब जो बच्चा है दर्शन हो गया। नारद जी बोले क्या करना है, बोले संसारी महाराज संसार क्या करोगे, बोल के इतना वैराग्य, इतना वैराग्य पैदा कर दिया तो संसार छोड़ के वो भी भग गया। जब ये खबर आया तो दक्ष प्रजापति जो है उसका बड़ा गुस्सा हुआ, ऐसा गुस्सा हुआ कि वो नारद जी का ऊपर एकदम बड़ा, एकदम इतना बड़ा गुस्सा हुआ, गुस्सा होकर बोल रहे इतना बड़ा गुस्सा हुआ कि आप जैसा असाधु जी जगत में कोई नहीं है, सबसे बड़ा असाधु आप हो, मेरा बाल बच्चा जो है सबको आप साधु बना दिया, निवृत्ति मार्ग संसार किए बिना कैसे निवृत्ति मार्ग में जाए, अब असाधु हो हैं? पहले को पहला जो 10,000 हमारा लड़का उनको भी दे दिया, इसको भी आप बोल के सांप दे दिया, चलो आपका सांप दे देते, एक दिन तीन जगह रह नहीं पाओगे, चंचल होगे, घूमोगे क्यों। नारद जी हंसते रहेंगे, अच्छा ही हुआ संत महात्मा जितना डोले उतने ही अच्छा है, नया नया आदमी के साथ देखा होगा तत्व ज्ञान का उपदेश है, संत महात्मा का काम ही है ये, अभी है क्या काम है, वो तो जाएगा ना, शास्त्रों का सिद्धांत तो ये है, शास्त्रों का सिद्धांत तो ये है, साधु महात्मा तो विचरण महाविचलनम निर्णाम गिही नाम दीन चेत साम, ये श्लोक है, महात्मा जितना चले उतना ही अच्छा है, नया नया आदमी का साथ देखा होगा उपदेश करेगा और संसार उद्धार करे। नारद जी हंसते रहेगा, ठीक है चलो सांप ले लिया हम। तब से नारद जी का कोई जगह है ही नहीं, एक जगह रहती नहीं, घूमते रहते, लेकिन द्वारिका में जाकर पूरा एकदम उस जगह, द्वारिका में तो काम नहीं करेगा क्योंकि द्वारिका तो द्वारिका है, द्वारिका तो साक्षात ठाकुर जी का गोलोक धाम, उसमें तो काम नहीं करेगा, उसे नारद जी द्वारिका में जाके रहते हैं, बोलो चलो उसका साफ काम नहीं करेगा। यहाँ जो है दक्ष प्रजापति का स्वरा वंशधर का वर्णन किया हुआ है। इसके बाद दक्ष प्रजापति बड़ा शोक ताप करने लगे, हा उतार हाय 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 हमारा जिंदगी खत्म, सारे बाल बच्चा को हमारा साधु बना दिया, अब क्या करें, बड़े अब लड़का पैदा नहीं करेंगे। उसका बाद हैं क्या कि जितना सारे जो हैं कन्ना पैदा किया, कन्ना कन्ना जो है 60 संख्यक कन्या का उत्पादन की। और जब 60 संख्यक कन्या उत्पादन हुए तब इसके दक्ष जो दो कन्या हैं भूत को संपादन किए, दक्ष दो कन्या जो है यो भूत को संपादन किए, दक्ष कन्या सुरूपा एकादश पुत्र, दक्ष कन्या सुरूपा का ये एकादश पुत्र ऐसा ऐसा हुआ, बहुत सारे नाम हम नहीं बताएंगे इतना। दक्ष दो कन्या अंगिरा ऋषि को दान किए और अंगिरा अथर्वा अंगिरस नाम का एक देव को हैं देव पुत्तिकृत करिया छिले, वो बहुत सारे बात है। और दक्ष दस कन्या जो धर्म को दान किया, धर्म को दान किया। और इसके बाद चार कन्या दक्ष तारखों को दान किया, तारखों को चार पत्नी हैं जिसके अंदर में वो हमारा गुरुर भगवान आदि सब आएगा, जो इसमें यो तुम्हारा ये कालियो आदि जो है सब, तारखों का चार पत्नी बिनता कद्रु
पतंगी जामिनी ऐसा करके बहुत सारे हैं, ऐसा करके बहुत सारे। और मतलब कहने का मतलब है दक्ष प्रजापति जो है, दक्ष प्रजापति के द्वारा इस जगत में जितना सारे पशु पक्षी जितना कुछ है, सारे सांप घोड़े पशु जितना सारे हैं, एक बात समझ लो कि तमाम जो है सारे आया है दक्ष प्रजापति से। 27 कन्या सोम को दिया था, 27 कन्या दान किया था सोम, था इन हमारा चंद्रमा को, ऐसा करके जितना सारे कन्या हैं। और दक्ष 13 कन्या कश्यप को दान किया था। दक्ष जो है 13 कन्या कश्यप को दान किया। कश्यप से जो जलचर प्राणी आदि आज जब कुछ है सब कुछ इसके आया है। तिमी माछ जो है तिमी से जल जंतु उत्पन्न हुआ। सुरमार पुत्र स्वापत सकल जो कुछ है सुरभि का संतान गो महिष इत्यादि था, बहुत सारे ऐसा करके जितना सारे कश्यप का वंशधर आ गया। सृष्टि का जो पुकरण है उसमें एक न एक ऋषि इसका पीछे जुड़ा हुआ है। सृष्टि का जो पुकरण है हम संक्षेप में बता रहे हैं, उस समय नहीं है। सृष्टि का जो पुकरण है इसमें सारे जो ऋषि है, सारे कई सारे ऋषि इस सृष्टि का अंदर में जोड़े हुए। कश्यप बताए दक्ष से, कश्यप से बहुत सारे खानदान जो पूरा अनंत ये सब जगत में जितना सारे संतान है सब वो ऋषि मुनियों का ही वंशधर। इसलिए गोत्र जो है, तुम्हारा गोत्र क्या है, किसका तो कश्यप गोत्र है, किसी का गोत्र दूसरा हाँ, सांडिल्य गोत्र है, किसी का गोत्र है, ये सब गोत्र जो है ऐसे आया। गोत्र मतलब वो ऋषि मुनियों का साथ तालुकात है, उसे गोत्र आया। लेकिन जब तुम भजन करते करते ठाकुर जी का चरण में जाना चाहते हो, गुरु वैष्णव आपको पूरा कृपा कर देते हैं, दीक्षा हो जाते, तब आपका वो जो पुराना गोत्र है वो गोत्र नहीं रहता, अब अच्युत गोत्र हो जाते। पुराना जो गोत्र है ब्राह्मण जो कुछ भी है, पुराना गोत्र जो है वो गोत्र काम नहीं करेगा, नया जो है अच्युत गोत्र बन गया। अच्युत गोत्र मतलब ठाकुर जी के चरण में भजन करने वाले जो है, आत्मनिवेदन किया सदगुरु का चरण में, उसका पुराना गोत्र नहीं रहता। सांडिल्य गोत्र कश्यप गोत्र इसे कुछ नहीं रहता, वो अभी अभी क्या हो गया, वो अच्युत गोत्र हो गया। ऐसा करते करते जो भी है विवत्सान का पुत्र साधोदेव मनु ओ भार्या यामी हुई थे, जम ओ जमुना दो पुत्र हुआ। ऐसा करते करते यामी जो है वही जामी जो जम और जमुना द्वी पुत्र पुत्र कन्या है, जम और जमुना जमराज जमुना दो पुत्र हुआ जो भी है। ऐसा करते करते वो जो जमी आता जो जम जो इधर है बात जो इसका जो विवस्थान का जो वंशोधर है ये सब बढ़ते आया है धीरे धीरे। कत्ते कत्ते विवसन सनश्चर ओ सावर्णी दु मनु सावर्णी मनु दुई पुत्र ओ तपति कन्या हुआ, तपति का स्वामी संवरण। ऐसा करते करते सब पूरा वंशधर आया। देवता लोग भी दीति आदिति जो है कश्यप का दु पत्नी दीति आदिति, दीति से दानव लोग जो है वो आया, आदिति से देवता लोग सब आए हैं। अब ये कहानी बताए काल जो उठाया था जो कर्म कांडी का जो रास्ता मार्ग जो है इतना भयंकर है, इसमें कोई शेष नहीं है। नेटवर्क जो है कर्म कांडी का भयंकर। एक दफे स्वर्गराज इंद्र अपना सिंहासन पे बैठकर कुछ मजा ले रहा था, कीर्तन गान ये सब हो रहा था, सभा चल रहा था। इसी समय गुरुदेव बृहस्पति जो है तत्वविद
बृहस्पति वो सभा में आने के वो आ रहा था। इतने में इंद्रो देख लिया जो गुरुजी आ रहा है, फिर भी गुरुजी को कोई सम्मान नहीं किया, इतना अभिमान हुआ। इसलिए पैसा का इसे बोलिए जन्म सज्जो सुतोषी भी रेद मानो मदहप मानो नहीं वह रहती भाई, नहीं वह रहती भाई है, नहीं वह अर्ति अभिधातुम भाई तम अकिन गोचरम, ऐसा है। जन्म ही सज्ज सुतोषी भी रेद मानो मदहप मान नहीं वह अर्ती अभिधातुम भाई तम अकिन गोचरम, अहंकार आ जाता है। इंद्र का ऐसा हुआ, पद का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार। तो गुरुदेव बृहस्पति समझ गया कि इसका अंदर में अहंकार आया। गुरुदेव और गया नहीं, उल्टा वापस आ गया, आके अंतर्ध्यान किया। बृहस्पति सोचे इसको सबक सिखाना चाहिए, इतना अभिमान है। तो बृहस्पति जी लौट आए, समझ गए कि ये शिष्य का बड़ा अभिमान हुआ, बोल के अंतर्ध्यान किया। अंतर्ध्यान मतलब और कोई अगर ढूंढे तो बृहस्पति जी मिलेगा नहीं, क्योंकि अंतर्ध्यान में चला गया। इतने में इंद्र महाराज का थोड़ा विवेक उदय हुआ, हाय महाराज ये हमने क्या किया, गुरुजी इधर आने के लिए चाहा लेकिन हम दूर से गुरुजी को देख के उठा नहीं, सम्मान नहीं किया, तो इससे दुखी होके गुरुजी चले गए। और हम कैसे करें, गुरुजी को मनाए कैसे, ढूंढना शुरू कर दिया, गुरुजी कहाँ हो तुम, गुरुजी कहाँ, गुरुजी कहाँ है, गुरुजी गया, गुरुजी बोला तेरे को दर्शन नहीं देंगे, मर तू जा जो कुछ भी है कर। जब आया नहीं बहुत दिन से गुरुजी, तो इंद्र का दिमाग खराब हो गया, हाँ महाराज हमारा स्वर्ग में कोई जग जोग नहीं हो पा रहा है, क्या किया जाए। उसके बाद क्या कि बड़ा उद्वेग हुआ। उद्वेग होने के बाद ब्रह्मा के पास शिकायत किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी बोले तुमने जो अपराध किया उसका कोई क्षमा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी जो दिव्य ज्ञान देने वाले जो साक्षात गुरु जी है, गुरु जी का अपमान किया, अब तुम्हारा मुश्किल है अभी बहुत, और पहले से ही अभिशाप लगा था दुर्वासा जी का, बहुत पुराण में है, महाभारत में भी है। दुर्वासा जी अपना निर्माल्य जो है निर्माल्य इंद्र को दिया, ले माला उतर कर दिए। इंद्र ने क्या किया, वो माला को ऐरावत को दे दिया, माला ऐरावत ने हाँ करते हुए माला को तोड़ा और पैर में कुचाला। बस दुर्वासा ने इतना हिम्मत है, मैंने माला दिया, निर्माल्य का उल्लंघन मतलब सारे श्रीभ्रष्ट हो जा, तू इंद्र को गाली दे जा श्रीभ्रष्ट हो जा, इतना हिम्मत है, मैं तेरे को माला दिया तो हाथी का गले में डाल दिया, हाथी तो हाथी है, हाथी ने माला के ऊपर पैर रखा, बस हो गया दुर्वासा जा श्रीभ्रष्ट हो जा, और श्रीभ्रष्ट हो गया। अभी अभी देखो हालत कैसा है। गुरु जी गया, गुरु जी अगर संतुष्ट रहे तो सब कुछ है, गुरु जी अगर असंतुष्ट हो जाए तो सारे गया, ठाकुर जी का करने का कोई कुछ नहीं है। गुरु जी गया तो हरो रुष्टे गुरु त्राता, हरि अगर हमारे पर गुस्सा हो जाए, गुरु जी अगर मना ले तो हो जाएगा, आ गुरु रुष्टे कुछ नहीं होगा, हो गया तुम्हारा। तो अभी क्या हुआ, ये जो इंद्र महाराज है, इंद्र महाराज बड़ा चिंतित हो गया। ब्रह्मा जी ने बोले तुमने बहुत खराब काम किया, ये उचित नहीं है, और उपाय भी नहीं, वो आएगा नहीं, तुम्हारा ऊपर गुस्सा हुआ है, तुम अपमान किया गुरु जी को, तो ऐसा करो जग जुग करने के लिए तुम विश्व रूप का आराधना करो। विश्व रूप जो है त्रष्टानंदन, उसका तपस्या बहुत है, बहुत भजन करने वाले हैं, जाओ उसका उसको मनाओ, लेके आओ। तो त्रष्टा नंदन विश्वरूप के पास गए, बड़ा प्रसन्न किया कि विश्वरूप को मनाए। मातृकुल पितृकुल दोनों कुल है, एक असुर कुल है एक मातृकुल है, मातुल कुल है तुम्हारा असुर कुल,
आप पितृकुल जो है ये आपका हाँ। और जब बार बार बोले कि आप आओ थोड़ा गुरु का काम करो, गुरु जी ऐसा अंतोध्यान हो गया हमारा मिलता नहीं, याग योग पौरोहित्य कर दो, बोले ठीक है हम जाएंगे चलो। बहुत विनती किया, आपका जो विद्या है इसके द्वारा हमको कृपा करो आओ, ऐसा करके प्रसन्न किया करके विश्वरूप आए। विश्वरूप आके ठीक विश्वरूप अभी क्या की, विश्वरूप अभी जाग योग्य कर दी सब कुछ। आज जाग योग्य करते करते क्या हुआ, विश्वरूप ने देवता लोगों का पावर बढ़ गया, तो विश्वरूप ने क्या किया उसको नारायण कवच दी, जिसके द्वारा किसी का हिम्मत नहीं उसको कुछ करे, ऐसा करके नारायण कवच दी। इसके बाद जो है भजन करते करते हुआ धीरे धीरे नारायण कवच तो ले ली। उसके बाद एक दफे यज्ञ हो रहा था, यज्ञ होते होते क्या हुआ, वो यज्ञ का अंदर जो है वो कभी कभी गुप्त रूप से अपना जो मातुल कुल है उसको स्वाहा बोल के यज्ञ का भाग दे रहा है। इंद्र जी ने देख लिया, समझा नहीं मेरा बात, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का नियम क्या है, यज्ञ में एक एक देवता का नाम लेकर आहुति दिया जाए, तो आहुति देते देते गुप्त रूप पका, गुप्त रूप से क्या कहते चुपके से चारू लेकर स्वाहा बोल के अपना जो मातुल कुल है उसका नाम पे दिया। इंद्रो ने इतना समय तक देखा नहीं, अचानक देख लिया, अरे ये तो असुर लोगों को दे रहा है स्वाहा बोल के, आज एकदम इतना गुस्सा हो गया कि तरवाल को उतारा, वो जोगो क्षेत्रों में तरवाल को उतारा, काट दिया पूरा, जा पूरा गर्दन काट दिया विश्वरूप का, तीन मुंडो था विश्वरूप का, पूरा एकदम काट दिया। काट देने का साथ साथ हाहाकार मच गया, अरे एक तो है ब्राह्मण है इतना बड़ा तेजस्वी, वो भी जोगो में दीक्षित था, जोगो करा रहा था गुरु का काम किया, उसको काट दिया, हाय हाय अभी क्या किया जाए। अब ब्रह्मो साहब क्या हुआ, ब्रह्मो साहब इंद्र जी को ग्रास कर लिया, कहां जाए बेचारा, इतना घबरा गया। उसका बाद उसका पहले तो नारायण कवच ले लिया ना, सब कुछ ले लिया नारायण कवच आदि, अब ये क्या करे अभी मुश्किल है। इस समय में क्या है, आचार्यों का वध कर दिया ये ब्रह्म साहब के द्वारा, वो भागना शुरू कर दे, कहां भागे कहां भागे, बहुत मुश्किल हो गए। इसके बाद क्या किया, ऋषि मुनियों ने बैठ के बैठक किया, बैठक में निर्णय लिया, तो एक काम करो, इंद्र को बोला तुम ये जो पाप है ब्रह्मोत्ता का पाप चार भाग कर दो, एक भाग स्त्री लोग ले लेगा ब्रह्मोत्ता का पाप रूप से ले ले एक भाग, दूसरे भाग पेड़ पौधा जो है काटने से बढ़े ले ले भूमि ले लेगा, इसलिए अमावती में भूमि खनन करना निषेध है। अब पानी ले लिया, पानी में जो बुदबुद फेन निकालता है वो ब्रह्मोत्ता का पाप, ये जो फेन जो बुदबुद पानी जो है जिसमें फेन है वो पानी में नहीं नहाना, स्वच्छ पानी में नहाना है। तो चार जो पाप जो ब्रह्मोत्ता का पाप चार ही हिस्सा ले लिया, स्त्री लोग ले लिया, भूमि ले लिया, वृक्षों पर पेड़ पौधा, इसलिए एकादशी का दिन जो है ये नहीं खाना, ब्रह्मोत्ता का पाप इस पर चढ़ते हैं इसलिए नहीं खाना है उस दिन। फल और मूल जो है अगर जोर जोर से खाना चाहो, दूध फल मूल ले सकते हो, नहीं बाकी नहीं। विश्वरूप का वध का बाद जो है जो उसका पिताजी त्रष्टा बहुत गुस्सा हो गया, त्रष्टा इतना गुस्सा हो गया, त्रष्टा बोले ये बदमाश इसको हम खत्म कर देंगे, लड़का का खत्म कर दिया विश्वरूप का। त्रष्टा का जो अंदर में आया हृदय का भाव,
जो हमारा लड़का जो है विश्वरूप इसको नाश कर दिया तो इसको हम खत्म कर देंगे, बोल के यज्ञ शुरू किया। ऐसा यज्ञ शुरू किया जिस यज्ञों के द्वारा यज्ञों का आंख से अग्नि से साक्षात एक असुर पैदा हुआ, वृत्तासुर जिसका नाम है। समझा मेरा बात? और यज्ञ करने का टाइम पे जो मंत्र बोला वो मंत्रों में थोड़ा गलती हो गया। हाँ, हमारी भी देखोगे जब आसन अशुद्ध है तब जीभ जवान भारी हो जाता है, इसे बार बार हम सबका चरण में प्रार्थना करते इसको मत छो, किन्तु कोई सुनेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। जब ये आसन अपवित्र हो तो मेरा हिम्मत नहीं, कुछ होगा नहीं। तो इधर जो है अभी क्या हुआ, मंत्रों का जो है इतना बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि सब मंत्र जप कर रहे, लेकिन मंत्र बोलते बोलते थोड़ा गलती हो गया। जैसे एक मंत्र होता है चिल्ला के बोलना चाहिए, एक मंत्र है प्लूतो अर्थात ऊंचा स्वर से बोलना है, किसी मंत्र को आस्ते बोलना है, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। आस्ते बोलने से माने अलग होगा, जोर बोलने से माने अलग हो जाए। तो अग्नि में जो आहुति दिया इसमें थोड़ा उल्टा हो गया, उसको बोलना था इंद्रो शत्रु विभवधसा, इंद्रो का जो शत्रु है वो बढ़ जाओ। और वो बोलने का टाइम में मंत्रों का ऐसा उच्चारण कर, इंद्रो जिसका शत्रु है हैं? मैंने इसका जो इंद्रो का जो शत्रु है ये बढ़ेगा नहीं, इंद्रो वृद्धि हो जाए। मैं इंद्रो शत्रु, इंद्रो स्वयं जिसका शत्रु है वो बढ़ जाए, इंद्रो बढ़ जाए, इंद्रो शत्रु, इंद्रो जिसका शत्रु है। इंद्रो किसका शत्रु है? जो यज्ञस्थल से उठा है वित्तासुर। अभी मंत्रों का उच्चारण ऐसा हुआ, जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, किसी धनी आदमी का गृह में घर में एक चोरी हो रहा है, चोरी होके चोर जो है भाग के जा रहा है, भागने के समय में ऊपर से जो मालिक चिल्ला के बोल रहा है हाँ, भले रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये बोलने का इच्छा था, लेकिन उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में उल्टा हो गया थोड़ा। उसका जवान जो है तोतली बोली बोलता है, रुको मत जाने दो ऐसा बोलना था, लेकिन बोलने का टाइम में उल्टा हो गया, रुको मत जाने दो, वो छोड़ दिया। आज जो छोड़ दिया वो चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे क्यों छोड़ दिया, बोला आपने तो बोला रुको मत जाने दो, बोलना था रुको मत जाने दो, लेकिन बोलने का टाइम में बोलना सब उल्टा हो गया। तो इसे रुको मत जाने दो और चोर बदमाश भग गया। ऐसा उच्चारण में ऐसा हुआ थोड़ा गलती, इंद्रो शत्रु, इंद्रो तुम जो शत्रु हो मेरा लड़का का जो आग से उठा है तुम बढ़ जाओ, इंद्रो शत्रु विवादस, इंद्रो जो स्वयं शत्रु है जिसका, इंद्र ही तो है, इंद्रो शत्रु विवर्धस, उच्चारण में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन, बोलना था इंद्रो शत्रु माने इंद्रो का शत्रु अर्थात वित्तासु, उसका पावर बढ़ जाए, लेकिन उच्चारण में थोड़ा हेरा फेरी हो, बस हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें वित्तासुर का आविर्भाव हुआ। वित्तासुर आविर्भाव होने के बाद वित्तासुर अभी भाई का मौत का बदला लेने के लिए उसका आविर्भाव हुआ आंख से, वह अभी जा रहा है इंद्रों का साथ लड़ने के लिए, इंद्रो तो भय के मारे सब देवता भाग रहा है, क्यों, वित्तासुर का जो काय है एक एक पैर रख रहा है तो देवता लोग के एकदम है
ये ऐसा मेघ मेघ जो है आसमान में बादल जो है वो ऐसा 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 ऊंचा पहाड़ का माफी पहाड़ का माफी ऊंचा है वो जा रहा है तो देवला देवता लोग क्या करे ऐसा जा रहा है ऐसा 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 करते करते नर्मदा नदी का किनारे बड़ा भारी देवता असुर लोगों के अंदर संग्राम हुआ देवता असुर लोग बड़ा बड़ी संग्राम हुआ इतना बड़ा लोमकू खड़ा हो जाएगा इतना बड़ा संग्राम हुआ जितना सारे असुर लोग है सारे टूट पड़ा मारो मारो बोल के देवता लोग भी युद्ध कर रहा है। ऐसा करते करते बित्तासुर का सामने किसी का डांटना संभव नहीं है। डांटे कैसे डांटे बित्तासुर का पावर कैसा है ऐसा दे देगा देवता लोग से उड़ जाएगा इतना खमता है उसको देख के सब देवता लोग भागना शुरू कर बाप रे। ऐसा करते करते क्या हुआ बाद में क्या हुआ बित्तासुर का साथ लड़ाई होते होते अंतिम में युद्ध जो चलते चलते बहुत सारे घटना है इसका अंदर बहुत सारे उपदेश जो है बित्तासुर ने इंदो महाराज को दिया। इंदो महाराज को ये बित्तासुर असुर साक्षात इंद्र जो है इंद्र को स्वर्गराज इंद्र को बहुत उपदेश दिया तत्व ज्ञान। इंदो महाराज ऐसा उपदेश सुनते ही घबरा गया बोले कैसे संभव है ये असुर जो नहीं है लेकिन ये तत्व ज्ञान कैसे बोल रहा है आश्चर्य हो गया। अब बित्तासुर को मारने का कोई हिम्मत नहीं है किसी का अंदर। इसके बाद फिर से प्रार्थना शुरू किया ठाकुर जी का जो बोले एक काम करो जाओ वो जो तुम्हारा मुनि है उसका नाम क्या है दोदीची मुनि का आश्रम में जाओ और दोदीची मुनि को मनाओ दोदीची मुनि को मना के उसका शरीर मांग लो दोदीची मुनि का शरीर मांग लो और दोदीची मुनि का शरीर से जो वज्र बनेगा हड्डी से इसके द्वारा ही ये बृत्तासुर का वध होगा नहीं तो इसको वध करना मुश्किल है वध होगा नहीं वज्र बनाओ। और दोदीची मुनि के पास गए बड़ा बड़ी हम तो संक्षेप में कह रहे हैं बड़ा चरण में गिर गए प्रार्थना किए कृपा कीजिए आप भले आपका शरीर चाहिए। पहले तो दोदीची मुनि मुश्किल हंसी उड़ाया बोले शरीर चाहिए कोई कोई शरीर कोई किसी को देता है क्या ऐसा कह मजा किया बोला हाँ अगर आपका काम पे आए तो हम शरीर भी छोड़ देंगे बोल के शरीर छोड़ दिए और हड्डी लेके आए और हड्डी देकर वज्र बनाए और वज्रों के द्वारा लड़ाई करने के लिए मैदान में उतारे। बड़ा लड़ाई हो रहा था लड़ाई होते होते बित्तासुर जी ने इतना सुंदर उपदेश की तो इंद्र महाराज घबरा गया। इंद्र महाराज सोचे कि ये कौन है तो असुर लेकिन इतना सुंदर उपदेश दे रहा है कहां से ऐसा सुंदर उपदेश दे रहे हैं ये तो संभव नहीं। इसके बाद इसका प्रश्न आएगा जो महाराज ये प्रश्न आएगा जो ये जो बित्तासुर है ये है कौन इसका उत्तर आएगा ये बित्तासुर जो है ये पूर्व जन्म में ये चित्तकेतु राजा का प्रसंग आएगा ये हम बाद में बताएंगे। अभी थोड़ा इसका जो उपदेश है जो बित्तासुर जो है बित्तासुर महाभागवत देखने में बाहरी दृष्टि में असुर जो नहीं है लेकिन वास्तविक असुर जो तो सांप के द्वारा हुआ लेकिन भक्ति अंतरात्मा का वृत्ति असुर जोनी प्राप्त हुआ ये सांप के द्वारा लेकिन अंतर का जो वृत्ति जो है भक्ति ये नाश नहीं हुआ। इससे भक्ति में ठाकुर बार बार बताया पशु पक्षी हुए था कि स्वर्ग बा निरये तब भक्ति रहु भक्ति विनोद भेदाए इसलिए बोला स्वरूप का वृत्ति है भक्ति ये नाश नहीं होता। तो कई भी रहे ठाकुर जी आपका स्मृति रहे आपका भक्तों का संग हो जाए ये सब। अब इधर जो बृत्तासुर का दो एक उपदेश सुन लो
वित्तासुर ने बता रहे हैं, वित्तासुर बोल रहे इंद्र को, बीच में तो क्या हुआ, वित्तासुर का हाथ से अस्त्र गिर गया, इंद्र का हाथ से। वित्तासुर ने बताया ये विषाद काल नहीं है, ये शोक ताप करने का शर्म की बात नहीं, उठाओ उठा के मारो मेरे को, वित्तासुर मेरे को मारो, उठाओ अस्त्र, क्योंकि हाथ से अस्त्र निकल गया तो इंद्र महाराज बड़ा शर्मिंदा हो गया, हाथ से अस्त्र निकल गया ना, बड़ा शर्मिंदा हो गया, हमारा हाथ से अस्त्र गिर गया। इसके बाद वित्तासुर बोले उठाओ अस्त्र को, क्या बेकार शोक कर रहे हो, उठाओ लड़ाई करो मेरा साथ। पुंसाम किलैकांत धियाम सकानम जासम पदोदी विभूमो रसायम नौराति जद्देश उद्वेग आधीर मदह कलिर्व्यासनम संग प्रयास। पुंसाम किलैकांत धियाम सकानम जा संपदो दिवि भूमो रसायम नौराति जद्देश उद्वेग आधीर मदह कलिर्व्यासनम संप्रयास। वित्तासुर कह रहे हैं कि देखो जिसका ऊपर ठाकुर जी का कृपा हुआ, ठाकुर जी जिसको कृपा किया उसको जड़ जगत का संपत्ति देके वंचित नहीं करता। ठाकुर जी जड़ जगत का छोटा मोटा चीज जिसमें उद्वेग हो जाएगा, अभी हमारा बहुत सारे जमीन जायदाद हो जाए कि हम हरी कथा बोलने बैठे कैसे, हमारा तो टेंशन आ जाएगा, अरे जमीन ले रहा है उधर उधर मामला करो, ये मंदिर में ये किया, हमारा चिंता आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा कैसे। तो ये जो है ठाकुर जी जिसको अंतर से प्यार करते हैं तो उसको जगत का जो ये जड़ जगत का कोई वस्तु देके वंचित नहीं करते। पुंसाम किलोकांत धियाम सकानम या संपदो जी संपद ये पृथ्वी तल पर भूमो दिवी स्वर्ग में या रसातल में जितना सारी संपत्ति है, ठाकुर जी इसको वास्तव प्यार करते हैं उसको भिखारी बना देते, भिखारी बन के रहो, निष्किंचन बन के रहो, उससे भजन बनेगा। और ये सब चीज देने से क्या होगा, उद्वेग होगा, कली आएगा, कली मने संघर्ष आएगा, लड़ाई आ जाएगा, संपत्ति लेकर ये सब चीज लेकर। कितना सुंदर कहानी देखे, एक एक कहानी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। एक काल की लड़का है, एक ज्यादा उम्र नहीं उसका 24 साल का उम्र ज्यादा होगा, वो संन्यास ले लिया गुरु जी से, गुरु भी ऐसा ही है संन्यास दे दिया, उसका काम अभी गया नहीं संन्यास दे दिया, अब हमारा साथ मिलता है, महाराज आपका कथा बहुत अच्छा लगता है, किताब दो आपका बहुत दे दिया हमने, चल पूरी में भी सुना पोपात का आविर्भाव स्थिति का, एकदम आंख कम आभी हरि कथा सुना। फिर उन्होंने क्या किया, बांकुरा में किसी बड़ा धनी आदमी आलू का कोलेस्ट्रॉल है ओ उसका कोई समस्या, ठाकुर जी जाने कैसे उसका कुछ कोई विशेष समस्या समाधान हो गया था, वो सोचे कि ये साधु का बड़ा महिमा है बोल के उसको गुरु मान लिया काल का लड़का, और गुरु मान लिया सिर्फ नहीं उसको 20 बीघा ना 24 बीघा जमीन दे दिया, बोला महाराज आपको दान दे दिया, लो दान दे दिया, उसके बाद पैसा भी दिया, उसके कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो कोलेस्ट्रॉल का मालिक उसका चरित्र ठीक नहीं, किसी आदमी किसी विधवा ये के साथ उसका संबंध है, पर जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ गुरु शिष्य है तो वो जो जनानी वो आना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो जनानी का साथ उसका संबंध तोड़ धीरे धीरे कमती पड़ गया, इसका साथ जोड़ना शुरू कर दिया, समझा मेरा बात। तब क्या हुआ, वो जो मालिक है 24 बीघा जमीन दिया हुआ है एकदम गुरु को मारने के लिए आया, मार डालेंगे हराम ज्यादा हो गया गुरु शिष्य। हम तो हंसते रहते हैं, किसी ने बेसा को मन तो दे दिया, प्रभुपाद जी का कहना है बेसा को मन तो दे दिया, बगल में बेसा रहता है, हम हंसते रहते हैं। तुम्हारा खुद को संशोधन करो पहले, तो हम ये सब घटना को सुन के हरि कथा का अंदर हम चिंता करते क्या, तत्व ज्ञान कितना सुंदर देखो। तो ऐसा ही है, गुरु है जैसा गुरु ऐसे चला, हाँ विचार भी नहीं है, इसको दिखा दिया जाए कि नहीं दिया जाए इसका विचार करो पहले, उसका बाद दिखा दो, और तुम्हारा दिखा हुआ कि नहीं, तुम्हारा खुद का दिखा हुआ, तुम गुरु का काम कर रहे हैं।
सब पूरा समाज में एकदम लपड़ा हो गया एकदम पूरा। तो पुंसाम किलोकांत तो धियाम सकानाम जा संपदो दिवी भमूर सायम नौराति यद्देश उद्वेग आधिर मदह आधिर मदह कलिर व्यासनम संप्रयास। जिसमें कोली आएगा वैसा वस्तु स्वीकार मत करो, चाहे हमको बैठ के खाना देगा, हमको एसी घर में रखेगा, बिल्डिंग देगा, हम तुम्हारा पास रखो भाई, हमको जरूरत, हमको कुछ जरूरत नहीं, हमारा हम ठीक है, तुम्हारा संपत्ति तुम्हारा पास रखो। और जो है इसके बाद जो है वो बित्ता कहना शुरू कर दिया, अहम हरे सब पाद इक मूल दासा अनुदास भवितास भियो मनः स्मरे त्वासु पतिर गुणाणम घृणित बा कर्म करो तू कायः। हे हरि, हे ठाकुर, हे मेरे प्राणनाथ, अहम अहम ये जो हम है, हे हरि, अहम हरे तव पाद इक मूल दास दासा अनुदास भवितास भियो, हम तुम्हारा दासों का दास हूं, ये मेरे कोष, हमारा मन तुम्हारा चिंतन करते रहे, मनः स्मरे त्वासु पतिर्गुण पतिर्गुणाणम घृणित बाग, हमारा बाग यंत्र जो है तुम्हारा गुण कीर्तन करते रहे हैं, अकर्म करो तु काय, तुम्हारा हमारा ये शरीर देके तुम्हारा सेवन करते रहे, ये हो जाए। जैसे हमारा अम्बरीश महाराज जी बोले, सवई मन कृष्ण पदार विंद बाचांश वैकुंठ गुणान वर्णने हैं करो तत् मंदिर अर्जुनादिशु सुतिम चकारोचित सत्कथोदय। सारे इंद्रियों को ठाकुर जी का सेवा में लगा दो अगर बचना चाहते हो, नहीं तो छागल का मभी रहो, खोद बना के खाओ, कष्ट करो, ठाकुर जी को भोग दो, खाओ आसो, खाओ आसो जा, जिंदगी अंधेरा में चले जाए, बस क्या होगा। नना कुपिष्टम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहाज्य कांखे। नना कुपिष्टम न चपारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। हे ठाकुर जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा स्वर्गों का राजा बनना नहीं चाहता, ब्रह्मा का पद भी हमको नहीं चाहिए, सार्वभौम पृथ्वी का राजा बनना नहीं चाह, रसाधिपत्यम रसातल का अधिपति बना दो, ये भी हमको हमारा मंजूर नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। और उसका बाद नौ योग सिद्धिर अपुनर्भवम, योग सिद्धि हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी। तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? बोले तुम्हारा विरह यंत्रणा जो हम रो रहे, तुम नहीं हो हमारा सामने, ये जो प्रेम है हैं समंजसत्व विरह जखंड, तुम्हारा विरह यंत्रणा जो है हमारा अंदर में सताए कि तुम नहीं हो, बस इतना ही काफी। हमारा हृदय ऐसे तड़पते रहे कि जैसे एक माता छोटा सा बच्चा, मैया नहीं है तो दूध कौन पिलाएगा, दूध पिलाने वाली मैया नहीं है, मैया मर गई कि कुछ हुआ तो बच्चा तड़पते रहते कौन खिलाए हमको, ऐसा करके जो बच्चा रोते रहते हैं। और एक पंछी, छोटे से पंछी जो है हैं, वो पंछी जो है अंडा फूट कर बच्चा निकला, और बच्चा ची 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 करते रहते हैं, कब मैया आए तो उसका मुंह पे थोड़ा फल फूल दे दे, वो खाए और जिए, ची 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 भाषा में करते रहे, छोटे छोटे है ना पक्षी का बच्चा, ऐसे ऐसे चिल्लाते रहे कब मैया आके थोड़ा भोजन दे। और जैसे प्रिया प्रियो प्रेमिक प्रेमिका, ऐसा ही ठाकुर जी का होनार की खेल है, बहुत दूर चला गया, एक दूसरे से बिछड़ गया, मिलिट्री लोगों में एक आदमी का साथ मुलाकात है, उसका अभी शादी हुआ, और शादी होने का बाद भी बोले महाराज रहने का कोई समय नहीं है, शादी किया पांच, शादी करने के लिए पूरा टोटली 10 दिन टाइम दिया गया, आने जाने में चला गया दो दिन चार दिन, और एक दिन रेस्ट लेने में 5 दिन चला गया, शादी करने में लग गया 1-2 दिन, अब दो एक दिन बचा, बस तुरंत छूटो,
हम बोले कहाँ जा रहे हो, बोला हमारा अभी शादी करने के लिए आया था, शादी हो गया चला। हमारा क्या कह रहे हो, बोले हाँ ऐसा ही हमारा जिंदगी है, क्या करे अभी शादी हुआ, बीबी का साथ अच्छा सा बात भी नहीं हुआ, वो मिलिट्री में ज्वाइन कर लेके अभी जा रहे। तीसरी अवस्था में जो हृदय का जो अवस्था होता है, ऐसा जो अवस्था है, इस अवस्था को महाकवि कालिदास बोलता, हम तो महाकवि नहीं बोलते, जड़ जगत का आदमी महाकवि बोलते। महाकवि किस लिए बोले, महाकवि तो भक्ति नहीं तो महाकवि कैसे बोले, कि जड़ जगत का आदमी बोलते हम भी बोल दिए। कालिदास बोला जक्ष जो है दक्ष, ये जो जक्ष है, जक्ष का जो लड़का है वो किसी हरकतें की थी बदमाशी, इसके द्वारा उसके ऊपर सांप आया था, जा तुम्हारा पत्नी से दूर रहो, एक साल पूरा सांप दे दिया। तुम सेवा में थोड़ा उदास था, शंकर जी का सेवा में कुछ हुआ, सांप दे दिया, तुम्हारा बुद्धि खराब हो जाए, एक साल तुम्हारा साथ दफा हो, ऐसा सांप दिया। देखो दूर जगह लेके वो दूर जगह चला गया, और उसका जो बीबी है, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, बस दूर है, और रोते रोते एकदम मशगूल, क्या कहाँ जाए क्या करे। और कालिदास जी जो है मेघदूत कुमार संभव बोल के कविता जो लेखनी है, रचना है, मेघ को आसमान पर देख रहा है, आसमान को मेघ को बोले हे मेघ अभी हम तुमको देख रहा है, शायद हमारा बीबी, हमारा प्रेयसी वो भी तुमको देखती होगी छत पर चढ़ते, तो मिलन ऐसा करो, तुम हमारा 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 जो दुख भरे जो नाले हैं, दुख भरे जो कष्ट है, इसको थोड़ा हमारा बीबी का जामने सामने जाके बता दो। मेघ को मैसेंजर बनाया, मैसेंजर जैसे चिट्ठी भेजता है ना पागल, क्योंकि प्रेम ऐसा वस्तु है, प्रेम ऐसा एक वस्तु है जिसमें हृदय लग जाता है, जिसमें हृदय एकदम बिल्कुल डूब जाता है, उसमें चेतन अचेतन किसी वस्तु का ध्यान नहीं रहता। मेघ को चेतन समझकर उसको मैसेंजर भेजा, भाई हमारा बीवी को ऐसा बोल के आओ। चंद्रमा का उड़ देखा, पूर्णमासी का चंद्रमा, पहले आज तुम्हारा और तुम्हारा सौंदर्य को मैं देख रहा हूं, बीवी भी शायद आज रात को इस चंद्रमा को देखते हुए हृदय में, तो ये जो चंद्रमा हाँ तुमको हम देख रहे हैं, वो भी तुमको देख रही होगी, और तुम्हारा हमारा मिलन हो जाए दोनों का। प्रेम का ऐसा ही गति है। अपराकृत जगत का जो प्रेम का बारे में सोचोगे तो पागल हो जाओगे। ये जड़ जगत का प्रेम ऐसा है, सिर्फ ये मेटेरियल जगत का प्रेम कोई प्रेमी प्रेमिका में हो जाए तो इसका अलग ऐसा है। को ठाकुर जी का जो प्रेम है, जो गोप गोपियों से लेकर, ये प्रेम क्या चीज है, समझो, समझ में नहीं आएगा ना, कितना दूर की बात है। इसे जड़ जगत का जितना भी प्रेम है, सारे जो प्रेम है वो मिलावटी प्रेम है, विशुद्ध प्रेम नहीं, सारे प्रेम, अरे सारे प्रेम जो है मिलावटी प्रेम है। इसमें अगर आप कसम खा के बोलोगे महाराज ना महारा आज हमारा प्रेम मिलावटी नहीं है, फिर भी हम मानेंगे नहीं, गुप्त रूप में उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट जरूर है, इसको मिलावटी प्रेम। इसलिए लैला मजनू का प्रेम, नौल दमयंती का प्रेम महाभारत में आता है, जिम डेला का प्रेम, जिम डेला अंग्रेजी में लेखा में आता है, शेक्सपियर का लेखा शायद है, बड़ा था बचपन में भूल गया, तो जिम और डेला ये दोनों का प्रेम एक्सीलेंट। विदेश में जिम डेला का प्रेम के ऊपर होता ही नहीं, और मुस्लिम समाज में हमारा इस खानदान बोले वो जो है लैला मजनू के ऊपर प्रेम होता ही नहीं, और हमारा जो है हिंदू समाज है बोले नौला दमयंती, अरे बाप रे क्या प्यार है, इसका ऊपर होता ही नहीं। लेकिन इसका उपाय जब प्रेम का सगाई वो क्या है, ये आपका समझ में नहीं आएगा। जब तक अपराकृत प्रेम, अपराकृत विषय आपका समझ में नहीं आया, तब तक तो मेटेरियल जगत का जो जितना सारे प्रेम है इसी में लगे रहोगे, सब व्यभिचार है। इसका प्रसंग हम उठाएंगे, प्रभुपाद जी क्या बोला, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम समांजसहत्वा विरह जकांखे। हम केवल योग सिद्धि भी हमारा कामना नहीं है,
तो फिर क्या चाहते हो? बोले अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यम यथावत्स तरहा कुदारता प्रियम प्रियेव वशितम विषन्या मनः अरविंद आक्षो दिदीक्षते त्वाम। हे अरविंद आक्षो, हे पद्म पला सोचन, हे हरि, जैसे अजात पके जो छोटा पक्षी है, बच्चा है, उसका अभी जो पंख है अभी तैयार नहीं हो उड़ने के लिए, जब वो बैठे रहते हैं एकदम कुटिया पे और मैया आके को खाना दे, खूब चिल्लाते रहते कब आए। और एक वत्स है गो माता का, बहुत भूखा है, मैया दूर है, अब भोजन करने के लिए चिल्लाते हम्बा करके गो माता का बछड़ा, ऐसा हम चिल्लाते रहते हैं। और प्रिया प्रिये वो प्रिया प्रियो के साथ जो विच्छेद है, इसके द्वारा जो हृदय में जो ग्लानि जो कष्ट होता है, ये जो है जो ये हमारा हृदय में तुम्हारा तुमसे हम जो बिछड़ के हैं, ऐसा मापी मेरे हृदय में जो तुम्हारा विच्छेद का यंत्रणा है, ये मेरा हृदय में पैदा हो जाए। क्योंकि ठाकुर जी का साथ जो विच्छेद का जो यंत्रणा है, कष्ट है, ये तो सिद्धि देने वाली है, ये सिद्धि देने वाली। जर जगत का तुम्हारा साथ किसी का विच्छेद हुआ, ये तुम्हारा बंधन में डालने वाला, ये ठाकुर जी का साथ जो है तुमको गोलोक धाम वैकुंठ में चराने वाला जो भी है। उसके बाद भीतासुर जी ने प्रार्थना किया, ठाकुर जी ममो उत्तम श्लोक जनीश सक्षम संसार चक्र भमत सकर्म भी, अपना किए हुए कर्म के द्वारा पशु पक्षी हुए था कि सर्वे बाब निरोए तब भक्ति रहु भक्ति विनोद, हमारा साथ ठाकुर जी तुम्हारा भक्त लोगों का संग हो जाए, किसी भी जोनी पे हमको भेजो लेकिन ठाकुर जी तुम्हारा भक्तों का संग हो जाए। क्योंकि तुम्हारा भक्तों का संग वो तो कीर्तन करते रहते हैं, आ कहते हमारा कानों में जाएगा ऐसे कीर्तन अमृतमय वाणी, तो इसलिए प्रार्थना करा ठाकुर जी ममो उत्तम श्लोक जनीश सक्षम संसार चक्र भ्रमत सकर्म भी, अपना किए हुए कर्म के द्वारा अगर हम घूमते रहे चक्का काटते रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तुम्हारा जो भक्त लगे उसका संग हो जाए। ऐसा ना हुए तन मयाया आत्मा आत्मो यारो आत्म बोलचे तन मयाया आत्मा आत्मो आत्मजन तन मयाया आत्मा आत्मो जो दार गृहेशु आसक्त चित्तस नौनाथ भूयात नौनाथ भूयात। हे ठाकुर जी मेरा बाल बच्चा और ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये सब मेरा जो शरीर का साथ जुड़ा इस विषय में मेरा आपका माया मेरे को इस विषय में ना आविष्ट कर दे। ममो बज तन मयाया आपका जो माया है ये माया के द्वारा ऐसा ना हो जाए कि मैं अपना 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 जो पत्नी है बच्चा है सब चीज है इसमें हम हमारा हृदय फंस जाए, ऐसा ना हो। इसलिए बोला तन मयाया आत्मा आत्मजो दारो गेशु आशक्तो चित्तसो नौ नाथ भूया, ऐसा कर दो कृपा करके ऐसा अवस्था पैदा कर दो। इसके बाद अभी आएगा तुम्हारा चित्र केतु का प्रसंग है, वो सायंकालीन अधिवेशन में शायद चर्चा हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं। अभी वित्तासुर देखो कितना सुंदर वित्तासुर का प्रसंग आया, इसका पहले क्या नाम का महिमा के बारे में औजामिल का, ये सब सुनने का बाद किसी का संसार में कोई मन लगे कैसे हुए बोलो, संभव है? अगर हुए तो उसका नसीब जल गया, इसका नसीब जल गया होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। सायंकालीन अधिवेशन में इस विषय में हम चर्चा करें। यद ब्रह्म साक्षात कृतिमिष्ठया बिना समयाति बिना न भोगय अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते परावद कर्मेति विरोति वेदः वांछा कल्प दुर्वश के पास सिंधु भविष्य पतितानं पावन भविष्यो नमः। 11 बजे फिर बैठ जाना गिरिराज महाराज का विषय महिमा कीर्तन हो।